इश्क नमक जा जख्म फैलागा तो ये सरूर हुआ। इफ्रा किधर है? वो सना को तैयार करा रही थी। सुनो, मुझे कुछ बात करना थी तुमसे। जी कहिए, मैं सुन रही हूँ। इफ्रा बहुत प्यार करती है मुझसे। जब से आफिया का, तो इफ्रा की माँ का इंतकाल हुआ, वो और ज्यादा फिक्र करने लगी है मेरी। इफ्रा ने तुमसे शादी की बात की और तुमने भी किसी मजबूरी या दबाव में आकर हाँ कर दी। देखो, मैं ये नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला किसी दबाव या मजबूरी में आकर करो। तुम यंग हो, पढ़ी लिखी हो, बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाएगा तुम्हें। मैं खुद किसी बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता ढूंढूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे जोड़ का, तुम्हारे बराबर का। आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते? मेरा तुम्हारा कोई जोड़ नहीं, कोई मैच नहीं है। मैं दुगनी उम्र का हूं तुमसे। कितने साल जीऊंगा? 5-10 पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने। मोहब्बत और सुकून से गुजारा एक लम्हा भी बहुत होता है। आप तो फिर 10-15 साल की बात कर रहे हैं। और रही बात उम्र की, तो मैं एक बार अपनी उम्र के आदमी से शादी करके देख चुकी हूँ। उसने मुझे कुछ नहीं दिया, ना मोहब्बत ना सुकून। देखो, ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें कोई पछतावा हो। नहीं होगा कोई पछतावा। पछताते वो लोग हैं जिनके पास कोई दूसरा ऑप्शन हो, और मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी बेटी को अगर इस घर में जगह मिल जाए और उसकी परवरिश, तालीम। उसकी तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हें मेरी बेटी है वो, और मैंने दो बेटियां पाल रखी हैं। अपनी दो बेटियों से ज्यादा आप मोहब्बत और शफकत दूंगा उसे। वो ज्यादा है, वो शाकिर बता रहा था कि टोनी का पता चल गया, तो बहुत जल्द मारिया होगी तुम्हारे साथ। ये तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। बस यही बात करनी। थैंक यू। माय प्लेजर।